जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं प्रदेश महासचिव आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ, आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के तत्वाधान में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि हमारा पद स्थायित्व विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर किया जाए। जैसा कि विभिन्न राज्यों में अतिथि शिक्षकों का पद सुरक्षित किया गया है, उनका पद स्थायित्व दिया गया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित करते हुए पद स्थायित्व दिया जाए। ये प्रभारी हैं छिंदवाड़ा जिला के और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रमुख मांगें क्या है। जैसा कि प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा संतोष कहार ने हमारी प्रमुख मांगों को लेकर आपको अवगत कराया, और मेरी भी यही सरकार से गुजारिश है कि सरकार सिर्फ हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य बनाए, पद उन्होंने सृजित किया है तो वो हमारे पद को सुरक्षित भी करें। आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा और भी भयानक स्थिति को देखने को मिल रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, और कहीं ना कहीं जो अतिथि शिक्षक है आज जिस दुर्दशा में है उस दशा से हमको उबारने के लिए प्रदेश सरकार कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए करे। नया सेशन प्रारंभ होने के पहले एक आदेश ऐसा निकाले कि अतिथि शिक्षक का पद स्थायित्व हो जाए और जल्द से जल्द उनका नियमितीकरण हो, ताकि अतिथि शिक्षक बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है वो ना झेल सके और उन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव संतोष कहार जी हमारे बीच में हैं। उनसे आज हम पूछेंगे कि जो रैली ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इनकी प्रमुख मांगे क्या है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विगत वर्षों से चली आ रही हमारी लंबित मांग पद स्थायित्व नियमितीकरण को लेकर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर एक साथ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। चूँकि हम विगत लंबे समय से, आज लगभग 14 से 15 वर्ष हमारे हो गए हैं, हम शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, हमारा पद सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमने सरकार से हजारों बार ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और भोपाल में प्रदेश स्तर पर अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, आवेदन किया, निवेदन किया, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया है और ना ही हमें कुछ दिया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वहारा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने समस्त वर्गों की समस्याएं और मांगों को सॉल्व किया है, किंतु अतिथि शिक्षकों के साथ ना जाने इनकी क्या दुश्मनी है, जो आज तक अतिथि शिक्षकों के विषय में ना कुछ कहते ना कुछ करते। तो हम आज मामा जी से फिर निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपने विगत 15 वर्षों से इन अतिथि शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया है, इनके भविष्य के साथ खेला है, लेकिन आज तक इन्हें दिया कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आज भी समय है, समय रहते हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे और आपका साथ देंगे, अन्यथा समय आने पर जैसा आज आप हमारे साथ कर रहे हो वैसा हम भी आपके साथ करेंगे। तो मामा जी आपसे एक ही निवेदन है, हमारा नियमितीकरण करें, हमारा पद स्थायित्व तो करें, हमारे साथ बार बार निकालने और रखने की प्रक्रिया को समाप्त करें, और हम जिस पद पर आज काम कर रहे हैं उस पद को रिक्त ना माना जाए, उसी स्थान पर हमें नियमित कर दिया जाए, ऐसा कुछ करें। मैं संतोष कार, जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं प्रदेश महासचिव आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ छिंदवाड़ा। हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष राजू जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने पिछली परीक्षा में आपको आरक्षण दिया था, उससे क्या फ़ायदा मिला। सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण का विशेष फायदा किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं मिल पाया है, क्योंकि सरकार ने दोषपूर्ण आरक्षण बनाया था, जिसके दौरान यह देखा गया कि वास्तव में जो 25% उन्होंने देने की बात की थी वो 25% मैं सिर्फ उन अतिथियों को लिया गया जो मेरिट लिस्ट में आए हुए थे। बाकी और भी अतिथि शिक्षक जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, वो आज भी हमारे अतिथि शिक्षक रोड में घूम रहे हैं और बाहर हैं। मैं राजू बेलवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष चौरई, अतिथि शिक्षक संघ।